हेलो फ्रेंड्स, ई सी आई यू पी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय का पूरा एडमिशन प्रोसीजर इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि लखनऊ विश्वविद्यालय की कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। ई सी आई यू पी चैनल लखनऊ विश्वविद्यालय की बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता है, बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक जानकारी हम आपको प्रदान करते रहते हैं। तो जो लोग भी नए हो इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि 2021 से कब शुरू हुए थे। आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के जो फॉर्म इस बार शुरू हुए थे वो 9 मार्च से शुरू हुए थे। याद रखिएगा, 9 मार्च से फॉर्म शुरू हुए थे और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। 31 जुलाई से पहले पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वैसे चांसेस है कि एक हफ्ते जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की जो ऑनलाइन फॉर्म आवेदन की तिथि है उसको एक हफ्ते के लिए और एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी यूपी बोर्ड के परिणाम नहीं आए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक हफ्ते जो आपके एडमिशन के फॉर्म्स हैं वो एक्सटेंड किए जा सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म बिल्कुल नहीं है, तो आप बिल्कुल आवेदन कर दीजिए। और दूसरी बात, एलयू जो है अपने यहाँ कई सारे कोर्सेज संचालित करता है, जिसमें आपको बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीफार्मा हो गया, डिफार्मा हो गया, और एक जानकारी फिर आपको बता रहे हैं, बीफार्मा डिफार्मा इसी साल से शुरू हुए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। इससे पहले बीफार्मा डिफार्मा का आवेदन नहीं हुआ था। तो ये जो कोर्सेज हैं वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में संचालित होते हैं, किसी कॉलेज में संचालित नहीं होते हैं। जो बीफार्मा डिफार्मा के कोर्स हैं वो आपके केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में ही संचालित किए जाते हैं, बाकी अन्य कोर्स कॉलेजेस में भी संचालित किए जाते हैं। जैसे आपका बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीएड हो गया आपका, और आपका एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, बीबीए हो गया, बीसी हो गया, जितने भी कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी चलते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी चलते हैं, और बीएससी एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हैं, बीएससी होम साइंस भी चलते हैं, बीए आप ज्योतिर्विज्ञान भी कर सकते हैं। बीए में कई सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आपको चाहिए तो हम उसके लिए आपको डेडिकेटेड वीडियो ला देंगे। तो कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको बीए के सब्जेक्ट्स, बीएससी, बीकॉम या अन्य किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो, डिटेल वीडियो आ जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा लखनऊ विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स संचालित होते हैं। तीसरी बात आती है काउंसलिंग। इससे पहले आपको हम ये बता दें, एंट्रेंस एग्ज़ाम एलयू में 2018 से शुरू हुए थे, 2020 मतलब लास्ट ईयर वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुए थे, क्योंकि आपको पता है कोविड के कारण एंट्रेंस एग्ज़ाम टाल दिए गए थे। लेकिन इस बार वीसी ने कहा ही है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जरूर लेंगे, तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार होंगे, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। 100 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, कन्फर्म नहीं कह सकते क्योंकि होने के चांसेस हैं। और तीसरी बात यह आती है, काउंसलिंग आपकी कब से होगी, जब एंट्रेंस का रिजल्ट आपका आ जाएगा उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। अब यहाँ पे जो है सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है, मतलब आप लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। और आपको ये भी बता दें, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, जितने भी ये जनपदों के कॉलेज हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय से अटैच हो रहे हैं, एफिलिएटेड हो रहे हैं, तो उन सभी कॉलेजों के स्टूडेंट भी इस वीडियो को ध्यान से देखें सबसे। और अगली बात, सेमेस्टर सिस्टम, लखनऊ विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होती है। आपको पता है 5 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होने लगेंगे, तो आप ढंग से पढ़िएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई सेमेस्टर वाइज होती है, आपको सभी तैयार करना पड़ेगा। कोर्स तो हर यूनिवर्सिटी का लगभग सेम ही होता है, क्योंकि आपको पता है UGC से कोर्स अप्लाइड होता है, तो UGC के निर्देश अनुसार सभी यूनिवर्सिटीज कोर्स संचालित करती हैं, एक ही जैसा लगभग कोर्स होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे आप अगर कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र हों और अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हों, तो कानपुर विश्वविद्यालय में जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा रहा है शायद वो लखनऊ विश्वविद्यालय में सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाए, कोर्स सेम ही रहेगा। लेकिन ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, और अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप पढ़ाई जरूर करिएगा। और तीसरी बात ये बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कॉलेज में इसका नाम भी आता है, क्योंकि 100 साल पूरे हो चुके हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। और आपको एक जानकारी हम ये भी देते हैं कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वहाँ पे 2018 के बाद से ही सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई हुआ, उससे पहले वहाँ पे भी जो है एनुअल सिस्टम से एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लगभग सभी कोर्सेज लखनऊ विश्वविद्यालय में सेमेस्टर वाइज होंगे। BLED था जो कि पार्ट के हिसाब से एनुअली होता था, लेकिन अब वो भी सेमेस्टर सिस्टम से होगा। तो आप सभी कोर्सेज में सेमेस्टर सिस्टम से ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है लखनऊ विश्वविद्यालय में
जो है जो और सेमेस्टर होता है वहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम होता है, और जो इवन सेमेस्टर होता है वो आपका रिटर्न ऑब्जेक्टिव होता है। रिटर्न तो आपका ऑड होता है और इवन आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी होम साइंस, बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कितने अच्छे हैं, कौन से लेने चाहिए, उसके बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। ECIUP चैनल हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देता रहेगा। जो लोग भी इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहा हमारा आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।